हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट। शर्मा कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको जीपी स्टार्ट कराऊंगा। 2 से 3 पार्ट में आपकी जीपी कंप्लीट हो जाएगी। एपी मैंने आपको पहले करा दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो अब जीपी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है भाई, जैसे कोई सीरीज है 2, 4, 8, यानी कि 2 × 2 = 4 × 8, यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जीपी में क्या होता है, जीपी में जो रेशो होता है वो इक्वल आएगा। जो रेशो होगा, जैसे कैसे होगा, जब पहले आपको मैं टर्म बता देता हूँ जैसे क्या होती है। जैसे उसमें होती थी समांतर श्रेणी में, वैसे ही इसमें है। इसमें ए का जो मतलब है वो होगा फर्स्ट टर्म, वहाँ भी ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और आर का जो मतलब है यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या था, डी। तो डी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। तो जीपी में आर है वो आर का मतलब होगा कॉमन रेशियो, उभयनिष्ठ अनुपात। ठीक है, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। टीएन, वहाँ भी टीएन का जो अर्थ था लास्ट टर्म था, और यहाँ भी टीएन का अर्थ लास्ट टर्म होगा, यानी कि अंतिम पद या अनवा पद, एनथ टर्म। ठीक है, इसमें हम आर कैसे निकालते हैं, जैसे उसमें डी निकालते थे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एपी में डी सारो अंतर जो निकालते थे, कॉमन डिफरेंस जो आता था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पर जो कॉमन डिफरेंस है वो आता था। तो इसमें हम आर, कॉमन रेशियो, जिसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम आपको उसका फॉर्मूला बताएंगे। आर क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, कोई भी टर्म ले लो, जैसे इसमें सेकंड टर्म क्या है, 4, तो डिवाइड बाय 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 4। अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। तो जो कॉमन रेशियो वो क्या आएगा, उस सीरीज का इक्वल आएगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ar की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, एक 2, 4, 8, तो इसमें क्या होगा, फाइंड द 8th टर्म। आपसे क्या पूछिए, आठवीं टर्म पूछी है। तो इसमें देखो आप, ए क्या है इसमें, 2। अच्छा, आर क्या है इसमें, 4/2, सेकेंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म क्या होगा, आर 2। जैसे 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म वो क्या होगा आपका, कॉमन रेशियो। तो एन क्या होगा यहाँ पर, एन तो n होगा आपका 8, क्योंकि आठवीं टर्म लास्ट टर्म क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ठीक है, तो n कितना होगा, 8। तो अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको पता है भाई फॉर्मूला था ar की पावर n-1। तो a कितना है, 2 × अब r कितना है, 2, और n कितना, n-1, तो 8-1। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 × में 2 की पावर 8 में से एक गया 7, यानी 2 की पावर 7, और 2 × में 2 की पावर 7 क्या होता है, 128, 128। तो क्या आ गया आंसर, 256 आपका क्या आ गया, आंसर। तो 256 आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ में आए तो। ठीक है,
अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 248 248 एज टू सोन, एन वा पद निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एन वा पद। तो अब देखो ए क्या है यहाँ पर, ए दो, ठीक है, और आर क्या है, तो आर तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड टर्म फोर और बटे एम फर्स्ट टर्म टू, तो कितना आ गया दो, तो ये भी तो दो ही है, ठीक है, तो दो है, एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो टू इंटू टू यानी कि इसकी पावर भी तो एक ही है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखो क्या करोगे, इसको टू की पावर वन प्लस क्या होता है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, एन माइनस वन, तो इससे ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, टू की पावर एन, तो टू की पावर एन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा पुलिस में हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिला है अब की बार, ठीक है, अब की बार पूरे पूरे चांसेस हैं ऐसा क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो एक बार देखो ये क्वेश्चन, वन प्लस इलेवन प्लस, वही ऐसे ही चलता जाएगा, एक ग्यारह, एक सौ ग्यारह, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये, तो इसको ये क्या है, ये जो सीरीज है वो जीपी में नहीं है, तो इसको जीपी में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसी कोई सीरीज हो तो उसको क्या करना, आपको जीपी में बनाने के लिए 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई, तो करो फिर, तो 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड, अब ये सीरीज है, तो 1 प्लस 11 प्लस ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है, चली जाएगी ये। अब देखो, अब इसकी 9 की है ना, अंदर मल्टीप्लाई करा दो सभी की, तो ऊपर तो एक बच जाएगा 9, ठीक है, तो ये 9, ये 99, ये क्या होगा 99, 999, ऐसे कर करके चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब भी ये जीपी में नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार देखो, 1/9 जीपी में तो है, लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 - 1 यानी 10^(1 - 1) प्लस 10^2 यानी कि 100 - 1 99, तो 10^2 - 1 ऐसे ही, 10^3 1000, तो 1000 में से एक घटाओगे तो क्या आएगा 999, तो 10^3 - 1 ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या होगा, जो लास्ट जो पद आएगा आपका, उसमें भी तो एक माइनस होगा, क्योंकि हर पद में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो जो लास्ट पद होगा तो उसमें भी तो एक पद, जो एक है वो माइनस होगा, तो उसमें भी तो एक माइनस होगा, ठीक है, लास्ट पद में, ठीक है, एनवा पद पूछा है, तो 10^1 10^2 10^3 तो यहाँ से एन टाइम्स तक जाएंगे, तो एन लास्ट पद तक जाएंगे, तो 10^ क्या हो जाएगा, एन, और बार क्या है, ये, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से करना हो, अगर आपको वहाँ पर बनाना नहीं आए तो ऑप्शन से करना हो, तो एन की वैल्यू, ठीक है, तो एन की वैल्यू को आपको एक पुट करके देखना है, अगर एन की वैल्यू एक पुट करने पर जो आंसर क्या आना चाहिए, एक, ये फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, ये फर्स्ट जो नंबर है ना 1, ये आना चाहिए। तो एक बार करके देखो, अगर 1/9 है तो 10^n की वैल्यू कितनी होगी, एक, तो 10^1 तो 10, 10 - 1 9, तो 9 से 9 कट गया, तो क्या आ गया आंसर, एक ही तो आया, ठीक है। अगर आप दो पुट करोगे, अगर n की वैल्यू दो पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 11, ठीक है, अगर दो पुट करोगे तो 11, तीन पुट करोगे तो 111, ठीक है, तो ऐसे करना आपने,
ठीक है। अगर यहाँ पर ये जैसे मैंने आपको बताया अभी एनवा पद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। अब देखो यहाँ से, देखो अगर यहाँ से सोल्व करना है, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। अब देखो जो डिटेल है वो यहाँ से है। अब आपको पता है इस बात का, वन 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 जो लास्ट पद होगा, जो एन वा पद होगा, उसमें भी तो क्या होगा, माइनस होगा एक। ये बात तो समझ में आई होगी, उसमें भी तो एक माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि एन 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 वा पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये होता था। जो लास्ट पद होगा, क्योंकि सारे पद में क्या हो रहा है, देख वन माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, तो वन लास्ट पद में भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो अगर एक तरह से देखो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन बाहर निकल गया माइनस वन, ठीक है, एक किस्म से ऐसे सोचो, ठीक है। नहीं तो आपको बता दिया मैंने, हर टर्म में माइनस वन हो रहा, तो लास्ट टर्म में भी तो माइनस वन ही होगा, तो माइनस वन कर दिया। अब 10 की पावर एक, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर एक, और आर की वैल्यू क्या होगी, यानी 10 की पावर दो बटे में 10 की पावर एक। अब देखो ये पावर से तो पावर कट गई, यानी कि 100 बटे 10 तो 10 ही तो आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, 10 इंटू आर भी कितना हमारा 10, क्योंकि पहला पद भी 10 है, तो आर भी क्या है 10। तो अब क्या होगा, एन माइनस का 1, और माइनस तो 1 है ही हर पद में, ठीक है। तो अब देखो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10 की पावर, अब इसकी पावर तो एक है, तो एक प्लस में एन माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस से प्लस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया है, 10 की पावर एन माइनस का 1। तो ये लास्ट पद क्या आ गया आपका, ये तो देखो यहाँ भी तो यही है, हमने इतना सोल्व किया ना, तो इतना सोल्व करके क्या आया था, 10 की पावर एन माइनस 1, तो 10 की पावर एन माइनस 1 आ गया आपका। तो ये क्या होगा आपका आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तो समझ में आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 + 22। अब जैसे ऐसे ही चलता जाएगा, तो अब ये जीपी में नहीं है, क्योंकि पहले अगर हम एक काम करें, इसमें से 2 है ना, 2 कॉमन निकाल लें। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाला सारे में से, तो 2 कॉमन निकाला तो बाहर क्या होगा, अंदर क्या बचा, 1 + 1 + 2 1 ऐसे करके चलता जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यही ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, सेम देखो ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करना आपको, एक जीपी बनाने के लिए क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड। अब देखो 2 इंटू 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ऐसे करके चलता जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2/9, इस 9 की जो मल्टीप्लाई वो अंदर कर दो, तो 9 + 9 + 9 ऐसे चलता जाएगा। तो अब देखो 2/9, अब देखो आपको समझाया है पहले ही, ये देखो ये रहा, ये 2/9 तो बाहर है, तो इसकी जो वैल्यू है या क्या क्या आई थी आपके पास, इसकी जो वैल्यू है ये तो सिखा दिया आपको, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, 10 की पावर n माइनस का 1। तो 10 की पावर n माइनस 1, देखो 9 + 9 + ये लिखोगे तो 10 की पावर 1 माइनस 1 सेम है ना, इससे आगे तो बिल्कुल सेम है। तो इसकी जो वैल्यू आई थी, इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारी क्या आई थी, 10 की पावर n माइनस 1। तो 2/9 तो बार है ही, और 10 की पावर n माइनस 1 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब इसमें देखो अगर ऑप्शन से करोगे तो क्या आएगा, अगर n की वैल्यू 1 पुट करी तो 2/9,
तो n की वैल्यू 1 पुट करी तो 10, n की वैल्यू 1 तो 10 की पावर तो 1 तो 10 ही होता है और माइनस का 1 तो 2 की पावर 9, तो 10 में से 9 गया, 9 देखो कट गया, क्या आया 2। देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर क्या है, 2 ही तो है, ठीक है। तो 1 पुट करोगे तो फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है, 2 पुट करोगे तो सेकंड नंबर, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, अब ये है, ये क्वेश्चन है। अब देखो वो तो 1 से स्टार्ट था, ठीक है, हो गया 1 से स्टार्ट था, तो ये देखो 111, ठीक है, 1111, ठीक है, 11111, तो n वापस इसमें कैसे निकालेंगे, देखो अब इसमें क्या करना आपको, वही काम, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 99, अब सॉरी 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1, ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है, ये तो आंसर है भाई, ठीक है, ये तो ऐसे चलता जाएगा। अब इस क्या करना, इस 9 की मल्टीप्लाई किस में करानी है, अंदर, तो 1/9 99 तो ऐसे ऐसे चला जाएगा ये। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/9 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो भाई, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 1 99, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 प्लस सॉरी माइनस का 1 और 10 की पावर 4 माइनस का 1, ऐसे ऐसे चलता जाए। अब देखो पावर, देखो यहाँ 2 थी, फिर यहाँ पर 3 हो गई, फिर यहाँ 4, यानी कि पावर भी तो 1 बढ़ रही है, ठीक है, जो जो 10 की पावर n होगी उसमें 1 पावर बढ़ा देंगे तो 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि पावर भी तो 1 बढ़ रही, वो तो अलग बात थी, वो 1 से स्टार्ट था, ठीक है। देखो इसमें 2 से स्टार्ट है, ठीक है, तो इसमें भी तो पावर क्या हो रहा है, 1 बढ़ रही है ना, तो आगे भी तो पावर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से देखो, ठीक है, तो 1/9, अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो लास्ट जो पद होगा, अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, देखो पहले टर्म में क्या है 1 माइनस, तो लास्ट जो पद होगा उसमें भी तो क्या होगा 1 माइनस ही होगा, ये तो पहले ही माइनस लगा दो, ठीक है, और जो n वा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस का 1, ये होगा। अब देखो 1/9 a कितना है, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 लिख दिया। अब r निकालोगे तो r कैसे निकलेगा भाई, r निकलेगा आपका सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म 10 की पावर 3 बटे में 10 की पावर फर्स्ट टर्म 2, तो देखो पावर से तो पावर कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 10, 10 की पावर 2 से तो पावर कट ही जाएगी, तो 1 10 बचेगा, क्योंकि 2 पावर कट गई तो 1 10 बच गया। अब भाई 1000 बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 10 ही तो बचेगा, ठीक है, तो ये 10, ठीक है, और n माइनस का 1 और माइनस का, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, 10 की पावर 2 प्लस में n माइनस का 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/9, ये 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 10 की पावर n प्लस 1 बच गया, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, यानी n प्लस 1 और माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और ऑप्शन से करना हो तो वही बात, 1 पुट करोगे तो 11 आना चाहिए, 2 पुट करोगे तो, देखो अगर 1 पुट किया हमने, ठीक है, अगर 1 पुट किया, मान के चलो अब 1 नहीं 2 पुट करके दिखाता हूँ मैं, n की वैल्यू क्या करनी है,
दो, ठीक है, एन की वैल्यू क्या करनी है आपको, दो पुट करनी है। तो कैसे होगी, देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 10^(n+1-1) ये आ रहा है ना। अब देखो इसमें दो पुट करो तो 10^2 और 1 3, यानी 10^3 कितना होता है 1000, और 1000 में से एक गया 999। तो देखो 9 एकम 9, तो क्या आया आपका आंसर 111। तो सेकंड क्या है, अगर दो पुट करोगे तो सेकंड आंसर आना चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर पे जो है, जो टर्म सेकंड है वो क्या है 111, तो वो 111 आंसर आना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, ठीक है, 5 कॉमन लिया, ठीक है, और फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं कि लिखा क्योंकि वो आपको करना है, ठीक है, और कमेंट में इसका आपको आंसर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।